हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे चार्जेस इन क्लाउड की। कैसे लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म का क्या कारण है, डिटेल में है ये चैप्टर नंबर 3 का ये एक पैराग्राफ है। ओके, तो उसे समझते हैं। ओके, सबसे पहले तो देखो क्या होगा जो इसमें रीज़न दिया गया है। सबसे पहले मेन तो रीज़न है कि जो क्लाउड्स में, ठीक है, क्लाउड्स में क्या होंगे, आइस पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में वाटर क्या हो जाएगा, या फ्रीज हो जाएगा, तो आइस पार्टिकल्स होते हैं। अब ये आइस पार्टिकल क्या होगा, ब्रेक हो जाएंगे। अब ब्रेक होंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, और फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक फ्रैक्चर हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो छोटे पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज जाएगा इसके, और बड़े पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एयर की वजह से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा ऊपर, तो क्लाउड में क्या हो गया, कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्यूमुलेट होने लग गया, नीचे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गया, ठीक है। और ये वोल्टेज जो पोटेंशियल है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, कई 1000 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। और इतना हाई वोल्टेज होने के कारण जब बहुत सारे क्लाउड में ऐसे होने लगेगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो एयर है, ठीक है, एयर भी क्या हो जाती है, और रीजन की वजह से कंडक्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब एयर के थ्रू ये हाई वोल्टेज पास होगा और बहुत हैवी करंट पास होगा, ठीक है। और ये हैवी करंट पास होने से एयर क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, ठीक है। बहुत टेम्प, आई थिंक अर्थ के, अभी हम पढ़ेंगे इसको पैराग्राफ में, सन के टेम्परेचर से भी कई गुना, कई टाइम्स टेम्परेचर बढ़ जाएगा एयर का, ठीक है। उससे वजह से क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। और जैसे वो कूल डाउन होगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो सडन कूल डाउन और एक्सपेंड होने से, ठीक है, हीट अप हुई उससे तो लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी जो हमें दिखाई देती है। और ये सडन एक्सपेंशन और कूल डाउन से क्या होगा, हमें थंडरस्टॉर्म सुनाई देगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, और भी चीज़ें डिटेल में उसको हम पैराग्राफ में समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। इन ओल्डन डेज लाइटनिंग वॉज कंसिडर्ड एज एन एटमोस्फेरिक फ्लैश ऑफ सुपर नेचुरल ओरिजिन। इट वॉज बिलीव टू बी द ग्रेट वेपन ऑफ गॉड्स। तो पहले के टाइम में तो ये कहानियाँ थी कि गॉड की वेपन है, ऐसा कुछ नहीं है हमें पता है। बट टुडे द फिनोमिनन ऑफ लाइटनिंग कैन बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली बाय एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। कैसा समझ सकते हैं, फिजिक्स से समझते हैं। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी अराइजेज ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो किस वजह से होती है एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस अब सेपरेट हो जाएंगे। इन द आयनोस्फीयर, आपको पता है आयनोस्फीयर जो सेकेंड लेयर है ऊपर से एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जहाँ पे हमें पता है रेडियो सिग्नल भी यहीं से रिफ्लेक्ट होते हैं आयनोस्फीयर से। और मैग्नेटोस्फीयर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड फ्रॉम द सोलर टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन, ठीक है। तो जो सन की रेज आती है, सोलर विंड्स आती है, उनसे क्या होगा, ये करंट डेवलप होंगे आयनोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर में, ठीक है, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, करंट डेवलप होगा। इन द लोअर एटमोसफियर द करंट इज वीकर एंड इज मेंटेन बाय थंडरस्टॉर्म। तो हमें इसकी मेन में फोकस करना है। तो लोअर पार्ट जो एटमोसफियर में, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म होगा, वो उसमें वो थंडरस्टॉर्म से मेंटेन होगा, ठीक है। देयर आर आइस पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स विच ग्रो कोलाइड फ्रैक्चर एंड ब्रेक अपार्ट। तो आइस पार्टिकल होंगे क्लाउड में जो ग्रो करेंगे, कोलाइड करेंगे आपस में, फ्रैक्चर हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो चार्जर डेवलप हो जाएंगे इनमें। द स्मॉलर पार्टिकल अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड द लार्जर वन नेगेटिव चार्ज। स्मॉलर पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, लार्जर पार्ट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दिस चार्ज पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड बाय अपड्रिफ्ट इन द क्लाउड एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे अपड्रिफ्ट, मतलब जो विंड ऊपर की तरफ चल रही है, पॉजिटिव चार्ज को हल्के है वो छोटे हैं तो ऊपर चल जाएंगे, और ग्रेविटी की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो अपर पोर्शन क्या हो गया क्लाउड का, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और मिडल पोर्शन नेगेटिव चार्ज हो गया, लिखा है यहाँ, लीडिंग टू द डाइपोल स्ट्रक्चर। डाइपोल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि डाइपोल क्रिएट हो गया। समटाइम्स अ वेरी वीक पॉजिटिव चार्ज इज फाउंड नियर द बेस ऑफ द क्लाउड, ठीक है। तो कभी कभी कम नीचे क्या होगा क्लाउड में, बीच में तो हमने देखा ना, बीच में नेगेटिव आ रहा है, कभी कभी बीच में नीचे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है क्लाउड के, ठीक है। ओके, द ग्राउंड इज पॉजिटिवली चार्ज एट द टाइम ऑफ थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है। और जो ग्राउंड होगा वो क्या होगा, ग्राउंड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा थंडरस्टॉर्म का जब डेवलपमेंट होगा। जैसे हम देख रहे हैं मेनली जो है नीचे की तरफ बेस में या मिडल में हम देख रहे थे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है और यहाँ नेगेटिव डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब इसकी इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ग्राउंड में, ठीक है।
या हाई राइज बिल्डिंग में, ओके। इसके बाद द ग्राउंड इज पॉजिटिव चार्ज एट द टाइम ऑफ थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट। ऑल्सो कॉस्मिक एंड रेडियो एक्टिव रेडिएशन, कॉस्मिक और रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से जो एयर है वो भी आयनाइज हो जाएगी, ठीक है, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन डेवलप हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो जाएगी, वीकली लेकिन ठीक है कंडक्टिव हो जाएगी एयर, किस वजह से कॉस्मिक और रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से उसमें चार्ज डेवलप हो गए। द सेपरेशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द क्लाउड एज वेल एज बिटवीन द क्लाउड एंड ग्राउंड, ठीक है। तो क्लाउड्स के बीच में ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, क्लाउड के पीछे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया और क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी और बिटवीन द क्लाउड के बीच में भी, ठीक है। दिस कैन अमाउंट टू मिलियंस ऑफ वोल्ट्स, तो मिलियंस ऑफ वोल्ट हो सकते हैं ये। एंड इवेंचुअली द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन द एयर ब्रेक्स डाउन एंड लाइटनिंग फ्लैश बिगिंस, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस एयर इंसुलेटर है, बट अब देखो हमने देखा कॉस्मिक और रेडियो एक्टिव रेडिएशन से वो उसमें चार्जर डेवलप हो गए और इतना हाई वोल्टेज डेवलप हो गया अर्थ और ग्राउंड के बीच में, ग्राउंड और क्लाउड के बीच में। तो अब क्या होगा, अब बहुत थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर में करंट फ्लो करेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ द ऑर्डर 10^5 मीटर वोल्ट पर मीटर, है ना। और ये लाइटनिंग फ्लैश दिखाई देगा क्योंकि हीट अप हो जाएगी, है ना, जब इतना हाई वोल्टेज हाई करंट फ्लो करेगा तो हीट अप हो जाएगी एयर, ओके। और मैंने बताया सडन एक्सपेंड करेगा हीट अप होने पे और फिर सडनली उस सडनली कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा तो थंडरस्टॉर्म सुनाई देगा, ठीक है। अ लाइटनिंग फ्लैश इज कंपोज ऑफ अ सीरीज ऑफ स्ट्रोक विद एन एवरेज ऑफ अबाउट 4 N, ड्यूरेशन ऑफ ईच फ्लैश इज 30 सेकेंड, तो हर एक फ्लैश का ड्यूरेशन 30 होगा और एवरेज में 4 स्ट्रोक्स होंगे ये। द एवरेज पीक पावर पर स्ट्रोक इज अबाउट 10^12 W, ठीक है। तो हर एक स्ट्रोक की 10^12 W तक इसकी पावर हो सकती है। ड्यूरिंग फेयर वेदर ऑल्सो देर इज अ चार्ज इन द एटमोसफियर, ठीक है। तो जब मौसम ठीक है साफ है तब भी कुछ चार्ज होते हैं एटमोसफियर में। द फेयर वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्फेस चार्ज डेंसिटी एट ग्राउंड एंड एन एटमोसफेरिक कंडक्टिविटी एज वेल एज ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द एटमोसफेयर टू द अर्थ सर्फेस, है ना। हमने देखा था आइनोसफेयर में भी चार्ज डेवलप हो गए थे, ठीक है, क्योंकि सोलर टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ग्राउंड में भी क्या है, ग्राउंड भी चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा, अब वो जो चार्ज है वो फ्लो कर रहे हैं थ्रू एटमोसफियर टू द ग्राउंड, ठीक है, विच इज ऑफ द पीको एम्पियर स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर, है। तो ये करंट काफ़ी कम है, काफ़ी नेग्लिजिबल ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है, हमें ऐसा कुछ फील नहीं होगा ये। और लैंड द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अबाउट 120 वोल्ट पर मीटर विच करिस्पॉन्ड टू अ चार्ज डेंसिटी अबाउट -1.10^-9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो काफ़ी 120 वोल्ट पर मीटर है बट सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, ठीक है, -10^-9 है। ओवर द एंटायर सरफेस द टोटल नेगेटिव चार्ज अमाउंट टू अबाउट 600, पूरे अर्थ के सरफेस में इतनी है 600 किलो कूलम। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट इन द एटमोसफेयर, ऊपर भी इतना ही है एटमोसफेयर में भी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नोटिस, तो ये कम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नोटिसेबल ही नहीं होगी हमें, ठीक है। द रीजन वाई इट इज नॉट नोटिस दैट वर्चुअली एवरीथिंग इंक्लूडिंग आवर बॉडीज कंडक्टर कंपेयर टू आवर एयर, ठीक है। और ये भी रीज़न है इसका कि हमें नोटिस नहीं हो रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारी बॉडी भी ठीक है एयर के कंपेरिजन में तो क्या है, कंडक्टर ही है, ठीक है। तो वो चार्ज हमारे थ्रू भी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमें ये पता नहीं चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लगातार ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रेंथ है कम है, जबकि उसमें कुछ ही सेकेंड में 10^12 W पावर थी स्ट्रोक की, ठीक है। तो आई होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड थंडरस्टॉर्म का कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लाइक करना इस वीडियो को, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, शेयर करना इसे अपने फ्रेंड के साथ, फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हो। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।